Hi, this is Farooq Khan and welcome back to my channel FRK Info. And please मेरी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो. तेलंगाना के वारंगल शहर में इसी के नाम पर स्थित वारंगल किले का इतिहास 12वीं शताब्दी का बताया जाता है. वारंगल किले का निर्माण 13वीं शताब्दी के दौरान राजा गणपति देव, जो कि एक काकतीय राजवंश के राजा हुआ करते थे, उन्होंने करवाया था. सन 1262 ईस्वी के दौरान जब इनकी मृत्यु हो गई थी, तब इस किले का राजभार रुद्रमा देवी, इनकी बेटी, ने संभाला था. सन 1309 में अलाउद्दीन खिलजी ने प्रताप रुद्र द्वितीय के शासन के दौरान किले पर हमला किया था. लगभग 10 लाख सैनिकों ने किले पर हमला किया और लड़ाई कई महीनों तक चली थी. राजा प्रताप रुद्र द्वितीय और उसकी सेना इस भयंकर युद्ध में किले की रक्षा करने में सक्षम थी, लेकिन किला कुतुबशाही राजवंश के हमले का विरोध नहीं कर सका और बाद में हैदराबाद निज़ाम द्वारा भी इस पर आक्रमण किया गया. इसलिए इस किले को कई बार विस्फोट का सामना करना पड़ा. आज हम जो देखते हैं वह केवल खंडर ही नहीं बल्कि मध्यकालीन वास्तुकला की भव्यता काकतीय शासक की बहादुरी को दर्शाता है. समय के बीतते ही कुछ सालों के बाद वारंगल किले पर कई शासकों द्वारा हमला किया गया, जिसके कारण ये किला कुछ युद्धों की मार तो झेल गया, लेकिन ये आखिरी तक टिका नहीं रहा और आखिर में ये खंडर के रूप में तब्दील हो गया. ये वारंगल किला काकतीय राजवंश की मजबूती को आज भी दर्शाता है. ये किला आज खंडर में है, फिर भी काकतीय राजवंश की ऐतिहासिक भव्यता और स्थापत्य कला को दर्शा रहा है. खंडर शायद ही किसी भी किले से मिलता जुलता हो, क्योंकि यहाँ की भव्य दीवारें, तोपें, शासकों के दरबार हॉल गायब हैं. सिर्फ इनके अवशेष ही देखे जा सकते हैं. वारंगल किला भारत की अद्भुत संरचना है. थोरियन स्थापत्य शैली में निर्मित वारंगल का किला 12वीं शताब्दी की वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है. खंडर में तब्दील होने से पहले ये किला 45 भव्य खंभों पर टिका था, जो जटिल नक्काशी से भरे थे. वारंगल किला 3 लेयर्ड किलेबंदी से बना था. आक्रमणकारियों के खिलाफ मजबूत रक्षा की पेशकश करते हुए किले को 3 गोलाकार दीवारों पर संरक्षित किया गया था. वारंगल किले की पहली दीवार रुद्रमा देवी के शासन के दौरान बनाई गई थी. इस मिट्टी की दीवार पर व्यास लगभग 2.4 किलोमीटर था. 150 फीट चौड़ी दीवार की एक और परत दीवार के बाहरी हिस्से को कवर करती थी. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.